सर्वधर्म के दफन भूमि को लेकर वसई मनपा कार्यालय के सामने 26 जनवरी से चल रहा अनशन। वसई में आरक्षित सर्वधर्म के दफन भूमि की जमीन को सुपुर्द किए जाने की मांग को लेकर 26 जनवरी से अनशन चल रहा था। धरने पर बैठे लोगों को मनपा आयुक्त द्वारा पांचवें दिन दिए गए आश्वासन के बाद समाप्त किया गया। ज्ञात हो कि सर्वधर्म के लिए वसई पश्चिम के सन सिटी में आरक्षित किए गए दफन भूमि के स्थान को मनपा द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर निर्माण कार्य किया गया था, जिसे लेकर स्थानीय नागरिकों ने एनजीटी न्यायालय में दावा दाखिल कर न्यायालय को बताया गया कि उक्त क्षेत्र पूर्णतः रहीवासी क्षेत्र है, वहां दफन भूमि किए जाने से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना होगा, जिसके आधार पर न्यायालय ने आदेश देते हुए उक्त स्थान पर बने अवैध रूप से दफन भूमि के निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश देते हुए उक्त मामले में MCZMA से अनुमति लेने के पश्चात वहां निर्माण कर दफन भूमि आरंभ करने का आदेश दिया था। इस दौरान लोगों द्वारा विरोध किए जाने पर मनपा की ओर से उक्त दफन भूमि को विरार में शिफ्ट किए जाने की बात कही गई थी। मनपा की ओर से 3 नवंबर 2017 को MCZMA कार्यालय में अनुमति के लिए लिखित पत्र दिया गया। मामले में हो रहे लेट लतीफी से नाराज KGN सोशल वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष कल्लन एन खान व जहीर शेख 26 जनवरी से वसई पश्चिम स्थित VVCSE के प्रभाग कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठ गए। आज 4-5 दिन से धरने पर बैठे हैं, यहाँ की सत्ताधारी पार्टी आपके लिए क्या करना चाहती है? सबसे पहले सत्ताधारी यहाँ पे आज 5 दिन हो गए हमको यहाँ पे अनशन पे, कोई भी सत्ताधारी यहाँ पे आए नहीं और कोई भी किसी सत्ताधारी ने हमारे बाजू में महानगर पालिका है और किसी ने आके देखा भी नहीं क्या हो गया। 5 दिन से आज हमारी ये हालत हो गई है कि आज ग्लूकोज हमारे को चढ़ा है और तबीयत ज़्यादा से ज़्यादा खराब होती जा रही है और कोई भी सत्ताधारी हमको देखने भी नहीं आया और ना कोई हलचल पूछने के लिए आया। हम सन सिटी दफन भूमि के लिए सबके लिए हमारी एक ही मांग है कि हमें सन सिटी दफन भूमि चाहिए और अगर हमको सन सिटी दफन भूमि नहीं मिली तब हम अपनी जान दे देंगे, यहाँ से नहीं उठेंगे। पिछले कई सालों से अगर ये अगर सत्ताधारी आश्वासन देते हैं, आश्वासन दिया है उन्होंने अभी तक और आश्वासन से जब कभी हमसे मीटिंग हुई और जब हमको बोला उन्होंने कि हम देंगे, आज भी बोलते हैं हम देंगे, कल भी बोलते हैं हम देंगे, लेकिन 9 महीना हो गया बाउंड्री को तोड़ के आज महानगर पालिका ने 4,500 करोड़ रुपया खर्चा किया बाउंड्री के अंदर और बाउंड्री बनाई और बाउंड्री बनाने के बाद में उन्होंने ही तोड़ी और ये जनता का पैसा उन्होंने महानगर पालिका वालों ने लगाया। आज हमारे घर पट्टी हम भरते हैं तो हमारा उस पैसे के ऊपर हक है और वो पैसे के लिए अभी हम सब जनता पूछती है कि वो कैसे हमको हिसाब देंगे, कैसे क्या करेंगे। और जो नगर पालिका के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो कॉन्ट्रैक्टर भी वो अनलीगल थे, उनका लाइसेंस नहीं था और उन लोग ने काम किया और 4.5 करोड़ रुपया खर्चा किया। टोटल खर्चा 11.5 करोड़ का था बजट, लेकिन 4.5 करोड़ खर्चा करके और उन्होंने बाउंड्री को तोड़ दी और बाउंड्री तोड़ के आज दफन भूमि हमको ना दे रहे हैं। वो हम गए थे सत्ताधारी के पास में भी, उन्होंने ये बोला कि ये बाउंड्री अनलीगल है और बाउंड्री हम तोड़ रहे हैं, बाकी जो कब्रिस्तान है वो आपका है, आपका ही रहेगा, लेकिन हमारा है तो हमको दे दो लिख के, हम अनशन तोड़ने के लिए तैयार हैं। मंगलवार की शाम अनशन स्थल पर पहुंचे मनपा अधिकारियों ने उक्त मामले अनशन पर बैठे लोगों को लिखित पत्र देकर बताया कि दफन भूमि मामले में शासन व MCZMA से पत्र व्यवहार जारी है, जो निर्णय आएगा उसके तहत कार्यवाही की जाएगी। जबकि मुस्लिम समाज के लोग धरने पर बैठे थे, उनका समर्थन करने के लिए आगरी सेना के नेता कैलाश पाटिल ने वहां पर आकर उनको अपना समर्थन दिया और कहा कि आगरी सेना हर समय मुस्लिम भाइयों के साथ रहेगा और उनके आने से मनपा आयुक्त सतीश लोखंडे को आना पड़ा। धरने पर बैठे लोगों को लेकर मनपा आयुक्त सतीश लोखंडे से नवगढ़ माणिकपुर मनपा कार्यालय में मीटिंग करके बात किया और कुछ न कुछ रास्ता निकालने को कहा। अगर मनपा के अधिकारियों ने दफन भूमि को लेकर कुछ हल नहीं निकाला तो
8 फरवरी को होने वाले मोर्चा में आगरी सेना दफन भूमि का भी मुद्दा उठाएगी। देखिए इधर भूमिपुत्र शांत बैठा था, अभी पूरा वो आदिवासी हो आगरी हो जो यहाँ रह रहा है, वो मुस्लिम समाज हो किसी पंथ का किसी जाति का नहीं, जो यहाँ रह रहा है भूमिपुत्र उनको रस्ते पे लाने का काम आगरी सेना के माध्यम से हो रहा है। और 8 तारीख को एक प्रचंड बड़ा महामोर्चा हो रहा है जिसमें लाख लोग एक्सपेक्टेड है। आज तक यहाँ के सत्ताधारियों ने सिर्फ लोगों को यूटिलाइज किया है, इलेक्शन के टाइम में आने का और इलेक्शन के टाइम में मीठी मीठी बातें करके लोगों को 30 साल में फंसाया गया है। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आदमियों की, जो स्मशान भूमि है वो आप अवेलेबल करके नहीं देते तो आपको अधिकार ही नहीं है इधर सत्ते में रहने का। वो मुस्लिम समाज हो, क्रिश्चियन समाज हो, सो लिंगायत समाज हो, ये मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है कि मरने के बाद स्मशान में जाना चाहिए। हर एक शहर में, हर एक गांव में स्मशान भूमि नेसेसिटी है। आदमी की जो नेसेसिटी है वो दे नहीं सकती यहाँ की प्रशासन और इधर के सो कॉल नेता, तो उनको इधर रहने का अधिकार ही नहीं है। और वही काम आगरी सेना कर रही है भूमिपुत्रों के लिए, और वही काम लेके आगरी सेना उतरी है रस्ते पे। 8 तारीख को इतनी बड़ा महामोर्चा है पूरा जिले का, जिसमें सब जो ये अगर है, इसको अगर मिठागर बोलते, मिठागर में रहने वाले सब कोई भी जात का रहो, किसी भी पंथ का रहो, किसी भी जाति का रहो, वो यहाँ का हम भूमिपुत्र समझते हैं। तो भूमिपुत्र के लिए हम लड़ रहे और ये अच्छा काम कर रहे हैं। ये किसके लिए लड़ रहे? खुद के लिए थोड़ा लड़ रहे, लोगों के लिए लड़ रहे। वकील साहब हमारे जो बैठे हैं अनशन पे, वो लोगों के लिए लड़ रहे। और लोगों का काम है कि प्रशासन को 5 दिन से उनको नींद नहीं आती है, तो उनको दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं कि इनको यहाँ ऑफिस में बैठने का ही अधिकार नहीं है। यहाँ के शासन को, यहाँ के नालायक सत्ताधारी को इधर खड़ा ही मत करो, मैं बोलता हूँ। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो दे नहीं सकता, जो रास्ता रिवीज पानी और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है लोग नहीं दे सकते, तो उनका अधिकार नहीं है इधर रहने का। अगरी सेना इस माध्यम से मैं मेरे सब भाइयों के साथ खड़ी है, और इनके साथ जब तक इसका रिजल्ट नहीं आता तब तक अगरी सेना रस्ते पे भी संघर्ष करने के लिए तैयार है। मनपा आयुक्त सतीश लोखंडे ने कहा कि मनपा की तरफ से MCZMA को पत्र दिया गया है। MCZMA की तरफ से जो निकाल आएगा उसको देखते हुए मनपा की तरफ से मदद किया जाएगा। वहीं मनपा आयुक्त सतीश लोखंडे ने अनशन पर बैठे लोगों तथा उपस्थित लोगों से बात करते हुए उन्हें बताया कि विभाग द्वारा संबंधित विभाग से पत्र व्यवहार लगातार जारी है। अनुमति मिलने के साथ ही पुनः निर्माण कार्य कराए जाने के बाबत लिखित आश्वासन दिए। दफन भूमि का जो मसला है, आप ठीक, आप क्या कहना है? देखो, एक तो विरार की दफन भूमि है और दीवान मान की, ये दोनों इश्यू है, गवर्नमेंट लेवल पे है। मैं पूर्ण मेरा फिर से एक प्रस्ताव गवर्नमेंट को भेजूंगा और मैं रिमांड करूँगा गवर्नमेंट के लेवल पे। आगरी सेना बोला, त्याने बस सांगा आगरी सेना सपोर्ट आहे म्हणून बोला, म्हणजे त्याने भी वाटे नाही बोला, एक शब्द काय बोला कलाश पाटील साहेब बोलते, मी बोलतो ना सर, जो मी बोलतो ना। अभी तक आपने क्या यहाँ पे आश्वासन दिया जो धरने पे बैठे? देखो मैं क्या बोलता हूँ, ये मसला मेरे लेवल पे नहीं है, ये गवर्नमेंट लेवल पे है। जो विरार का स्मशान भूमि है वो 37 का प्रस्ताव गवर्नमेंट के पास है, यूपी के पास, तो यूवी ने उसके ऊपर डिसीजन लेना है। और दीवान मान का जो है CRZ का इश्यू है, वो MCZMA की कमेटी है गवर्नमेंट की, वहाँ पे उसने डिसीजन लेना है। मैं उनको फिर एक रिमाइंडर भेजूंगा। सर, सन सिटी में जो दफन भूमि पहले था उसको जो तोड़ा गया, तो क्या कारण था कि उसको ने निर्देशन दे दिया तोड़ने के लिए? सर, अभी अगर बनेगा तो वहीं पे बनेगा। हाँ, तो इसलिए अप्रूवल को भेजा है गवर्नमेंट को MCZMA के लिए, CRZ क्लियरेंस के लिए। वहीं इस धरने पर बैठे लोगों का समर्थन BJP के पालघर जिला अल्पसंख्यक के अध्यक्ष जावेद शेख ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर धरने पर बैठे लोगों को BJP की तरफ से अपना समर्थन दिया। और उन्होंने कहा, इस मुद्दे को लेकर मैं अपने वरिष्ठ नेताओं से बात करूंगा, किसी भी हालत में इस समस्या का निदान करवा के ही रहूंगा। पेश है वसई की है खास रिपोर्ट। बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम सहीर शेख है। आप किस वजह से आज यहाँ पे बैठे हैं? 26 जनवरी के अमरण उपोषण के मेरे 9 महीने का एक बहुत लंबा स्ट्रगल है, जिस 9 महीने के दौरान हमें 50 बार महानगर पालिका के आयुक्त साहब ने, यहाँ के स्थानिक पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने ऑफिस पर बुलाया, हमें आश्वासन दिए, आश्वासन ऊपर आश्वासन दिए, फिर वही आश्वासन चलते रहे।
और आखिरकार जब ये 9 महीने हमारे हाथ से निकल गए तो हमने फाइनली ये विचार किया कि जब चीज़ें हमारे तरीके से नहीं हो रही तो हमें महात्मा गांधी जी का एक स्वरूप एक हथियार वापरना पड़ेगा इनके विरोध में, जिसके माध्यम से ही शायद से हमें हमारी सर्वधर्म दफन भूमि जो सन सिटी सर्वे नंबर 176-177 पर आरक्षित है वो मिल सके। यहाँ के आमदार जो हैं पिछले कई सालों से जीतते आए हैं, ये विकास के नाम पर उनको विकास महापुरुष कहा जाता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? सर विकास के नाम पर षड्यंत्र अगर ये सब सही हो, विकास नहीं षड्यंत्र। यहाँ पे हमने महानगर पालिका की और बिल्डर लॉबी की गठबंधन देखी, जिस सन सिटी सर्वे नंबर 176-177 की मैं बात कर रहा हूँ उसके एग्जैक्टली अपोजिट में सर्वे नंबर 91 से लेकर सर्वे नंबर 127 तक पूरा का पूरा टाउनशिप बना हुआ। ये टाउनशिप के अंदर रहने वाले जो लोग हैं ये जैन धर्म के और गुजराती धर्म के, इन्होंने वहाँ पे किसी भी मुस्लिम धर्म के बंधु को या क्रिश्चियन धर्म के या लिंगायत समाज के किसी भी बंधु को रहने के लिए घर नहीं दिया, जबकि उसके एग्जैक्टली अपोजिट में महानगर पालिका ने आरक्षण उनको दिया, जिनको घर नहीं दिया उनको आरक्षण दे दिया। और हमारे विरोध वहाँ पर महानगर पालिका के ही कुछ लोगों ने एक घटला तैयार किया, जो एक अपील जो NGT है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में दाखिल की गई, उस NGT के अंदर ये फैसला हुआ कि महानगर पालिका ने 2011-12-13-14-15 में जो ये टेंडर निकालकर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट करके डेमोलिशन प्रोसीजर के लिए जो स्टार्ट किया उसके अंदर MCZMA की परमिशन कहीं नहीं थी, तो MCZMA की परमिशन ना होने की वजह से इस दीवार को जो सन सिटी सर्वधर्म दफन भूमि शमशान के आजू बाजू में थी उसको तोड़ने का आदेश आया। मैं कहता हूँ 2012 से लेकर 2014 तक महानगर पालिका के हाथ में था, वो MCZMA की परमिशन ले सकती थी, पर महानगर पालिका को एक ऑब्जेक्शन चाहिए था, एक ऑब्जेक्शन जिससे वो इसको वापस तोड़ के इसका आरक्षण शिफ्ट कर सके। आप देख सकते हैं हमारे पास एक लेटर है जिसके अंदर साफ साफ सतीश लोकंडे सर ने एक एफिडेविट सबमिट किया, जो यहाँ के आयुक्त हैं उन्होंने एफिडेविट में ये लिखा है कि हमने इस जगह के बदले इनको कॉलेज में जगा दी। मैं जानना चाहूँगा सतीश लोकंडे सर से कि आज अगर एच वार्ड वसई शहर में रहने वाला नागरिक बोलिंग जाएगा तो बताओ बोलिंग के अंदर जो रहने वाला क्रिश्चियन समाज है, जो लिंगायत समाज है, जो मुस्लिम धर्मों के और जो शिया धर्म के और जो गोरा समाज के हमारे भाई हैं वो कहाँ जाएंगे? तो ये वहाँ से रिजर्वेशन यहाँ हटाना, यहाँ से रिजर्वेशन वहाँ हटाना, ये गठबंधन की तो सरकार है, तो ये कॉन्स्पिरेसी समझ में आती है कि यहाँ पे सियासत नहीं चल रही, यहाँ पे राजशाही चल रही है, एक राजा है जो उन पर राज कर रहा है और इस राजा के सामने हमारे ज़रूरत की हमारी फंडामेंटल नेसेसिटी है। आर्टिकल 26 हमें इस बात का प्रोविजन देता है कि हमारे पास जिस विसिनिटी में हम रहते हैं वहाँ पर हमारी दफन भूमि रहे, उसने हमारे उन आर्टिकल्स को डिवाइड किया। प्लस 1989 का राज्य पत्र है, एक गैजेट लेटर है जिसके अंदर स्ट्रिक्टली लिखा है कि जिस किसी शहर में जहाँ पे 500 के ऊपर अल्पसंख्यक समाज की आबादी अगर हो तो उनको 20 घंटे या उससे अधिक जैसी लागत हो ऐसी दफन भूमि देना आपको अत्यंत आवश्यक है। और उसी राज्य पत्र के माध्यम से हमने आगे भी इनसे यही डिमांड की और ये लड़ाई 30 साल की आज की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई 30 साल की है और आज भी चल रही है, आगे भी चलती रही और ये उस दिन तक चलती रहेगी जब तक महानगर पालिका और यहाँ का प्रशासन, यहाँ की स्थानीय पॉलिटिकल पार्टियाँ हमें हमारा तो हमारी दफन भूमि नहीं दे रहे। यहाँ के नागरिकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ के नागरिकों को मेरा एक साफ संदेश है कि अगर ये आने वाले इलेक्शन के वक्त आपके सामने कोई वोट का प्रस्ताव लेकर आता है तो आप उनसे सिर्फ दो ही प्रश्न पूछिए। पहला प्रश्न ये कि 23 अप्रैल 2018 को जब दफन भूमि को सर्वनाश किया जा रहा था, जब दफन भूमि को शहीद किया जा रहा था, जब उसकी दीवार तोड़ी जा रही थी, तब वो नगर सेवक जो आपके पास आपकी डिमांड लेकर आया वो उस वक्त कहाँ था? वही नगर सेवक 26 जनवरी से लेकर आज 30 जनवरी हो गई, हम हमारे हक की लड़ाई के लिए आर्टिकल 26 के अंडर जो हमारे प्रोटेक्टेड राइट्स है उसके लिए हम लोग जो यहाँ पे लड़ रहे हैं वो तब कहाँ था? मैं उनसे यही साफ साफ आप ये दो सवाल पूछ लें, अगर आपको इसका जवाब मिल जाता है तो इसके आगे आपको मुझे नहीं लगता आपको किसी और सवाल पूछने की जरूरत है, क्योंकि जो आपके हक की लड़ाई में आपके साथ नहीं आप उसको अपने साथ में रखना रहो, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूँ और मैं आपका हाथ जोड़कर आपसे विनंती करता हूँ कि आप मेहरबानी कर अपने ऊपर राजा को मत लेके आओ, आप एक लोक नेता को लाओ, एक लोक नेता जो आपका प्रतिनिधि एकदम अच्छे तरीके से करे और निष्पक्ष रहकर करे, वो किसी कॉर्पोरेटर के फायदे के लिए आपका नुकसान ना करे, मेरी आपसे यही विनती है।